दो सदियों से भी ज्यादा समय से फिरंगी जहाज अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, स्पैनिश, डच दुनिया भर में घूम रहे थे और व्यापार के एक ही डोर में पूरी दुनिया बंधी आ रही थी। अब सवाल था पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य बनाने का, और 18वीं सदी के अंत तक ये बात साफ हो चुकी थी कि इसमें या तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहेगा या तो फ्रांस का। शुरू में लगा कि ये व्यापारी कंपनियां सिर्फ अपने फायदे के लिए सफर में थी, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। भारत में जहां शासक वर्ग कमजोर हो चुका था, इन व्यापारियों ने इस कमजोरी का पूरा पूरा फायदा उठाना शुरू किया और 1757 में यूरोप से हजारों कोस दूर भारत के एक कोने प्लासी में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। इतिहास में ऐसी घटनाएं मिलती हैं जो तब तो सामान्य सी घटना लगी होंगी, लेकिन आगे चलकर उनका महत्व सिद्ध हुआ हो। गद्दी हड़पने की लड़ाइयां तो उस जमाने में आए दिन चलती रहती थी, मगर प्लासी की ये लड़ाई एक विशेष घटना थी। देखने वालों को तब शायद ऐसा लगा होगा कि लड़ाई नवाब सिराज उद्दौला और उसके दरबारी मीर जाफर के बीच हो, लेकिन आज सब जानते हैं कि असली लड़ाई तो सिराज के फ्रांसीसी दोस्तों और मीर जाफर के अंग्रेजी मित्रों के बीच थी। जीते अंग्रेज, यह स्मारक है अंग्रेजों के उस जीत का जो आज भी प्लासी के उस मैदान में खड़ा है। यूं ब्रिटिश साम्राज्य के नक्शे का गुलाबी रंग भारत को रंगता ही चला गया। यही गुलाबी रंग भारत देश की गुलामी का रंग बन गया। अब मुर्शिदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम अपने उद्योगों के साथ तबाह होने वाले थे। बंबई, मद्रास और कलकत्ता जैसे अनाम मछुआरों के बसेरे देश के प्रमुख नगर बनने वाले थे, और आखिरी मुगल बादशाह को दिल्ली में 2 गज जमीन भी नसीब होने वाली नहीं थी। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने ऐसा करतब दिखाया कि केवल 8 सालों में मुगल सम्राट शाह आलम के हाथों से उड़ीसा, बंगाल और बिहार की दीवानी अंग्रेजों ने अपने हाथ में ली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहाँ की सरकार बन गई। सभी टैक्सेस अंग्रेजी वसूल करने लगे, और वो भी गेहूं या धान के रूप में नहीं, सोना या चांदी के सिक्कों में। इस तरह व्यापार के लिए सोना या चांदी अब इंग्लैंड से भारत लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब सोना भारत से इंग्लैंड की ओर बहने लगा। अंग्रेजों की औद्योगिक क्रांति के लिए हमारी दौलत जाने लगी, हमारे शहर उजड़ने लगे, जैसे यह मुर्शिदाबाद। ये सिराजुद्दौला का शहर कभी बंगाल की राजधानी था और रेशम, हाथीदांत, हीरे जवाहरात के व्यापार का बड़ा केंद्र। प्लासी की लड़ाई के बाद जब भारत का यह सबसे समृद्ध सूबा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में गया, तब कंपनी ने यहाँ का उत्पादन बढ़ाने के बजाय कुछ और ही नीति अपनाई। वहाँ इंग्लैंड में मशीनों से हजारों गज कपड़ा तैयार हो रहा था, जिसके लिए बाजार की जरूरत थी। ये कपड़ा सस्ता तो था, मगर भारत में बने कपड़े की तरह आकर्षक नहीं था। इस वजह से इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने अपने सरकार से एक ऐसी कर व्यवस्था लागू करवाई जिससे वहां का कपड़ा भारत में बेचने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा गया, और साथ ही भारत का कपड़ा इंग्लैंड के बाजार में बेहद महंगा बना दिया गया। सिर्फ कपड़ा उद्योग ही नहीं, पर धीरे धीरे बहुत से पारंपरिक उद्योग चौपट होते गए। मुर्शिदाबाद की आबादी सन 1815 में 1,65,000 थी,
52 साल बाद 25,000 भी नहीं बचे और भी कई औद्योगिक शहर आर्थिक तबाही के शिकार होने वाले थे। राजा नवाबों के दिन भी लग चुके थे, अब वो कारीगरों से पहले जितना सामान खरीदते भी कैसे। फिर पैसे लगाने वालों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में ज्यादा मुनाफा नजर आने लगा था। जब कारीगरों के लिए पूंजी के रास्ते भी बंद होते गए तो वो कहां गए होंगे। सोचा गया है कि काफी सारे लोग तो खेती करने लगे होंगे, लेकिन यूं जमीन पर दबाव पड़ने से एक नई समस्या भी तो पैदा हो गई होगी। अपने तकनीकी ज्ञान को उपयोग में लाने के रास्ते उनके लिए बंद होते जा रहे थे, क्योंकि अब हमारे तैयार माल की कम और कच्चे माल की ज्यादा मांग हो रही थी। युग परिवर्तन होने को था और कई ऐसे उद्योग जिनसे खींचकर सदियों से विदेशी यहां आ रहे थे वहीं आगे चलकर खत्म हो जाने वाले थे। जैसे कि यहां बना इस्पात या स्टील, जिसके बारे में यह बात प्रसिद्ध थी कि उसकी धार एक बार अगर बनी तो कभी कम नहीं होती। खोज करने वालों से मुझे पता चला कि इस्पात उद्योग खास करके मैसूर, सेलम और इंदूर यानी आज के निजामाबाद में हुआ करता था। इस्पात या फौलाद की यह खोज मुझे जब हैदराबाद ले आई तब मुझे वाकई कुछ काम के नमूने मिले। मैंने जब उन हथियारों को देखा तो समझ में आया कि तब लोगों को उन पर इतना नाज क्यों था। इन हथियारों की खासियत थी तेज धार जो काफी समय तक टिकती थी। दुनिया भर में ये तलवारें दमास्का स्वॉर्ड के नाम से जानी गई, हालांकि इनका धातु भी यहाँ बनता था और काफी हद तक ये हथियार भी। इस धातु को वुड्स नाम दिया यूरोपियन लोगों ने। कन्नड़ और तेलुगु बोलने वाले लोहार कारीगर तो इसे उक्कू कहते थे। उक्कू से हथियार बनाने के लिए उसे एक निश्चित तापमान पर बार बार गर्म किया जाता था, बार बार पीटा जाता था और बार बार ठंडा किया जाता था। इस दौरान धातु को एक विशेष संरचना मिलती और वुड्स बदल जाता इस्पात में और उस पर धारियां भी पड़ जाती थी। इस्पात पर पड़ी धारियां या लहरियां जितनी पास पास और समान होती उतना ही उसे बेहतर समझा जाता था। आज ये परंपरा जीवित नहीं रही, लेकिन मुगल और यूरोपीय दस्तावेजों में इसके बयान मिलते हैं। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में इंदूर और निर्मल में बने फौलाद का जिक्र किया है। इंदलवाई का किला था यहाँ। ये इस्पात के हथियारों के उत्पादन और बिक्री का केंद्र था। इस इलाके में इस्पात उद्योग की तरक्की का कारण जानने के लिए मैं एक जियोलॉजिस्ट डॉक्टर शर्मा से मिला। निजामाबाद ज़िले में लोह खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं? निजामाबाद ज़िले में दो किस्म के लोह के खनिज रहते हैं। एक तो लैटराइट है जो डक्कन ट्राइब के ऊपर ये ब्राउन पैचेस है, डक्कन ट्राइब जो है हरा है। दूसरा जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये पिंक एरिया जो ग्रेनाइट है उसमें मिलता है। उस और पहाड़ी के पीछे 50 किलोमीटर की दूरी पर लोहा बनाने के उद्योग के अवशेष मिलते हैं। वहाँ मैग्नेटाइट अयस्क से लोहा बनता था और इस दिशा में करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर लैटराइट अयस्क से लोहा बनता था। ये दोनों किस्म के लोहे यहाँ इस्तेमाल किए जाते थे इस्पात बनाने के लिए। कोना समुद्रम गाँव में घरों और खेतों के बीच ही है ये मलबे का बड़ा सा ढेर। इसमें हैं हजारों क्रूसिबल्स के टुकड़े, भट्टियों के अवशेष और बहुत सा धातु माल। निजामाबाद ज़िले में कई जगहों पर इस तरह के ढेर मिलते हैं।
क्रूसिबल्स और भट्टियों की तादाद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इलाके में कितने बड़े पैमाने पर इस्पात बनता था। जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों में एक जिक्र है कि फला फला तारीख को मछली पट्टनम से एक जहाज में इस्पात के 20,000 इनगट या ढले हुए गोले पर्शिया भेजे गए। इतने बड़े उद्योग को चलाने के लिए इससे जुड़े हुए अन्य उद्योग भी जरूर रहे होंगे, जैसे भट्टियां और क्रूसिबल्स बनाने के लिए खास रिफ्रैक्टरी मटेरियल तैयार करना। फिर ईंधन के लिए लकड़ी का कोयला बनाना और लोहा, ईंधन, रिफ्रैक्टरीज और इस्पात ले जाने लाने के लिए यातायात की व्यवस्था भी। भारत के उद्योगों की बात चलते ही कुटीर उद्योग की कल्पना सामने आती है, मगर यहाँ ऐसा नहीं था। इस्पात और उससे जुड़े हुए अन्य कारोबार औद्योगिक क्रांति के पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर चल रहे थे। 1820 के आसपास ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट वॉयजी ने लिखा कि भट्टियां काफी बड़ी थी, 5 फुट गहरी थी, जिनमें बहुत सारे मूशे या क्रूसिबल्स एक साथ रखे जा सकते थे। फिर क्रूसिबल्स में ढलवे लोहे के साथ कांच नुमा धातु मल का टुकड़ा भरा जाता और धातु पिघलाने की 24 घंटे लंबी प्रक्रिया शुरू होती। इस दौरान भट्टी में लकड़ी का कोयला बार बार डालना पड़ता और भैंस के चमड़े से बनी 4 बड़ी धुकनियों से लगातार हवा पंप की जाती। अंत में क्रूसिबल्स को बाहर निकालकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता और फिर वुड्स के गोलों को बार बार गर्म करके पीट पाट कर मनचाहे हथियार बनाए जाते। वुड्स तो वैसे कच्चे और तैयार माल के बीच की अवस्था थी, पर इसे बनाने की प्रक्रिया सबसे जटिल थी। इसमें क्रूसिबल्स की रचना और कॉम्पोजिशन सबसे महत्वपूर्ण थे। ये क्रूसिबल का ढक्कन है। ये निशान बताते हैं कि गर्म क्रूसिबल को सांडसी की मदद से भट्टी से बाहर निकाला जाता है। क्रूसिबल के ढक्कन से क्रूसिबल की दीवार का छोटा सा हिस्सा जुड़ा हुआ रह गया और ये है बेस या नीचे के हिस्से का नमूना। वुड्स के ढले इनगट को निकालने के लिए क्रूसिबल को तोड़ा जाता था। जाहिर है इसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। डॉक्टर झूमर लाहिरी फोटोमाइक्रोग्राफी की मदद से इन क्रूसिबल्स की जांच कर रही है। तो सबसे पहले ये क्रूसिबल के डिजाइन को देखते हैं। ये उष्मा सह है, बहुत ऊंचा तापमान सह सकती है। देखिए, ये है इस्तेमाल किया हुआ क्रूसिबल का टुकड़ा। ये अंदर का चमकदार ग्लेज भट्टी में पकते पकते बना है और बाहर भी ग्लेज बना है। अंदर का ग्लेज पिघले हुए लोहे और मल से क्रूसिबल को बचाता था और बाहरी ग्लेज भट्टी के गैसेस को क्रूसिबल के अंदर नहीं आने देता था। और यहाँ पिघला हुआ लोहा ठंडा होकर वुड्स का गोला बन जाता था और ऊपर रह जाता था मल या स्लैग। क्रूसिबल्स की बनावट ही इस प्रक्रिया की खासियत रही होगी। हाँ, आपने पढ़ा होगा कि ये चिकनी मिट्टी चावल के जले हुए छिलके और तेल से बनता था। चिकनी मिट्टी तो ठीक है, वो तो पॉटरी में भी होती है, लेकिन चावल के छिलके से क्या होता है? चलिए मैं आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ। ये क्रूसिबल की चादर का क्रॉस सेक्शन है। अंदर से ये कितना पोरस है देखिए। चादर पोरस होने से उसकी इंसुलेशन की क्षमता बढ़ जाती है। इस पोरोसिटी का कारण है ये चावल के छिलके। अगर चादर में दरार पड़ रही हो तो छिलका उसे आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे गांव में घर बनाते समय मिट्टी के साथ घास पुआल डाला जाता है। इन छिलकों में काफी सिलिका मौजूद रहता है,
जो क्रूसिबल को ताप सहने में मदद करता है, और जले हुए छिलके जो यहाँ भूरे रंग में दिखाई दे रहे हैं क्रूसिबल के चादर में कार्बन मिला देते हैं, और स्लैग या मल के साथ चादर के रिएक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। उन कारीगरों के लिए तो ये सिर्फ मलबा था, जो आप लोगों के लिए आज एक दस्तावेज बन गया। ये क्रूसिबल हमें कहता है कि उन कारीगरों को अलग अलग पदार्थों की कितनी गहरी जानकारी थी। ढाल और तलवार से लड़ने का जमाना बीत गया तो यहाँ तेलंगाना में 3 सदियों से चल रहा इस्पात उद्योग भी ठप हो गया। क्या वजह थी कि यहाँ के कारीगर नए उपाय नहीं खोज सके, वही मुर्शिदाबाद वाला हाल हुआ यहाँ भी। इस्पात उद्योग में लगी हुई सारी पूंजी जैसे गायब हो गई। इंग्लैंड में उसी दौरान औद्योगिक क्रांति हो रही थी, जिसमें बहुत से कारीगर नए आविष्कार कर रहे थे पूंजीपतियों के पूरे सहारे के साथ। औद्योगिक क्रांति का ये दौर दरअसल लोहे और इस्पात का ही दौर था। मशीनें, जहाज, पुल, रेलगाड़ियाँ, फिर उसके लिए पटरियाँ, बड़े बड़े स्टेशंस, विशाल इमारतें, कारखाने, ये सब लोहे और इस्पात के बिना कैसे बन सकते थे। अब तेलंगाना जैसी कारीगरी और क्वालिटी की मांग ही कहाँ थी। मांग थी बस बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन की, वो भी कम कीमत पर। हाँ, मजबूती की शर्त जरूर थी। तेलंगाना की तलवारों वाली तकनीक लेकर तब कोई लोहे का इंजन बनाने बैठता तो शायद बरसों लग जाते। बेसेमर कन्वर्टर और ओपन हार्ट प्रोसेस ही ऐसे इंजन तैयार कर सकते, और भाप पर चलने वाले ये इंजन ही तो औद्योगिक क्रांति की पहचान है। भाप की शक्ति यानी स्टीम पावर की जानकारी का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। ईसा पूर्व 150 में सिकंदरा के आविष्कारक हीरो ने ये खिलौना बनाया था जिसमें स्टीम पावर का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ आग से पानी गर्म किया जाता था और ये पानी स्टीम बनकर इस गोले में आ जाता। यहाँ ये स्टीम इन दोनों नलियों से विपरीत दिशाओं में बाहर निकलकर इस गोले को घुमाता था। पर भाप की शक्ति की क्षमता को पहचानकर उसे काम में लाना कई सदियों बाद ही होने वाला था। 17वीं सदी में इसके कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि यह पोर्टा का अपैरेटस जिसमें स्टीम की शक्ति से पानी ऊपर उठता है। फिर आटा पीसने के लिए ब्रोंका ने यह यंत्र बनाया जिसमें एक रहट जैसा गियर सिस्टम अब बैलों के जोर के बजाय भाप की शक्ति से चलता था। 17वीं सदी के आखिर तक हमें और विकसित मॉडल्स मिलते हैं। 1690 में डेनिस पेपिन ने एक इंजन बनाई जिसमें पिस्टन का इस्तेमाल करके पुली के द्वारा वजन उठाया जा सकता था। उसके बाद 1702 में थॉमस सेवरी ने बनाया माइनर्स फ्रेंड, जो कोयला खानों से पानी बाहर खींचने के काम आता था। उसके बाद 37 साल बाद व्यापारी न्यूकमन ने बनाया एटमॉस्फेरिक स्टीम इंजन। करीब 50 साल बाद ग्लासगो यूनिवर्सिटी के औजार बनाने वाले जेम्स वॉट ने न्यूकमन के पंप में और तकनीकी सुधार किया। अब स्टीम इंजन अधिक सक्षम भी बन गया और ईंधन का बचाव भी होने लगा। लेकिन स्टीम पावर से सिर्फ इंजन या पंप चलाने से औद्योगिक क्रांति तो नहीं हो पाती, जरूरी था कि स्टीम पावर का और क्षेत्रों में भी इस्तेमाल हो जाए। जब हम किसी कारीगर को काम करते हुए देखते हैं तो ज्यादातर उसके मूवमेंट्स दो तरह के होते हैं, या आगे पीछे या ऊपर नीचे, और दूसरा गोल गोल। क्या मशीन्स भी ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, और वो भी ज्यादा तेजी से।
अब एक आदमी एक दिन में इतना कपड़ा बुन सकता था जितना 50-60 साल पहले 300 आदमी बुनते थे। भाप की शक्ति और मशीन, इन्हीं के मेल से हुई औद्योगिक क्रांति, और इससे मनुष्य के उत्पादन की शक्ति में एक स्थायी परिवर्तन आया। आदमियों का काम अपने हाथ में लेने वाले ऐसे तरह तरह के मशीनों की कहानियां तो बहुत सारे किताबों में मिलती है, पर शायद कम लोग जानते हैं कि इसके आविष्कारक महान वैज्ञानिक नहीं आम आदमी थे। आर्कराइट जिसने स्पिनिंग फ्रेम बनाई एक नाई था, उसका साथी जॉन के घड़ीसाज था, और कार्टराइट जिसने पहली बुनाई करने वाली मशीन बनाई एक पादरी था। समाज के हर वर्ग का आदमी इस क्रांति में शरीक था। जो कोई भी नई तकनीक इजाद कर लेता था उसके पीछे पूंजी लगाने वाले लोग तैयार खड़े हुए थे। यही तो कारण था इंग्लैंड में उद्योगों ने तेज रफ्तार से प्रगति की, और इस प्रगति से वहां के समाज में एक गहरा परिवर्तन आया, जिसकी दो मुख्य बातें थी। एक वो फैक्ट्री सिस्टम, जिसमें हर कारीगर अब मजदूर बनकर काम पर लगा हुआ था, और दूसरा पूंजीवाद। वैसे यूरोप में औद्योगिक क्रांति सिर्फ तरक्की लाई हो ऐसा नहीं है। शहरी कारखानों और खदानों में काम करने वालों के हालात से ये जाहिर है। वहां भी किसानों और कारीगरों ने ही मुख्य तौर पर बदलाव की कीमत चुकाई। अपनी जमीन और काम छोड़कर वो जहां भी बसे उनके रहने का प्रबंध तंग और दूषित था। फिर हवा रोशनी से दूर उन्हें 16-18 घंटे काम करना पड़ता, और पगारें इतनी कम थी कि पूरे परिवार को मजदूरी करनी पड़ती, 4-5 साल के बच्चों को भी। इन हालात में मजदूर संगठित होने लगे। 1848 में यूरोप के शहरों में एक हलचल मच गई। अब जगह जगह पर लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। विज्ञान सामाजिक विकास का नहीं, पूंजीपतियों के मुनाफे का साधन बन गया था, और उनकी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा आ रहा था भारत जैसे पराधीन देशों से। यूं आपस में विरोधी बातों से भरपूर था वो समय, और इन सभी बातों का मिलाजुला असर यहां भी पड़ा। चौरंगी, कलकत्ता। अंग्रेजों के जमाने की बनी कई संस्थाएं आज भी यहां हैं। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित, यूरोपीय बुद्धिजीवियों का मुख्य केंद्र। इस सोसाइटी में विज्ञान पर, संस्कृति पर, हर विषय पर चर्चा होती थी। इसके संस्थापक विलियम जोन्स के शब्दों में, हम एशिया की उन तमाम चीजों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे जो आदमी और प्रकृति ने बनाई है। ১৮৩৩ के बाद सोसाइटी का काम सरकारी सर्वेज ने ही आगे बढ़ाया, बड़े और व्यावहारिक पैमाने पर, जैसे ये जियोलॉजिकल सर्वे जो चौरंगी में आगे ही है। ১৮৮৬ में एशियाटिक सोसाइटी ने कलकत्ता के मशहूर इंडियन म्यूजियम की स्थापना की। यहाँ अलग अलग सर्वेज ने गैलरियां बनाई थी जिसमें भारत भर के नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संपदा के विविध प्रकार के नमूने देखने को मिलते हैं। क्यों थी उन सज्जनों की उन सब में इतनी दिलचस्पी? क्या उनका केवल शौक था, या इसके पीछे वही कारण थे जो उन्हें खींचकर भारत लाए थे? 19वीं सदी में ब्रिटिश उद्योग को ऐसी फसलों की जरूरत महसूस होने लगी जिन्हें वो अपने मिल्स में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल कर सकें या दुनिया के बाजारों में बेच सकें। नतीजा 15,000 जातियों की वनस्पतियों का संग्रह है ये कलकत्ता के बोटानिकल सर्वे की एक गैलरी में। वैसे तो आयुर्वेद ने भी सदियों पहले पौधों और जड़ी बूटियों की काफी जानकारी हासिल की थी, पर अब तक ये परंपरा करीबन मिट चुकी थी। अंग्रेजों ने जो ये वर्गीकरण किया उसके पीछे व्यापारिक कारण तो थे ही, पर उनको अपने काम के लिए जरूरत थी विज्ञान और वैज्ञानिकों की। इन संस्थाओं में
ऊंचे दर्जे के जो वैज्ञानिक थे वो तो अंग्रेज ही थे, लेकिन छोटे मोटे काम करने वाले तो भारतीय ही थे। अंग्रेजों के नीचे काम करते करते कुछ तो वे सीखते ही, बल्कि काफी कुछ जाना उन्होंने आधुनिक विज्ञान के बारे में। कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होने वाली चीजों का क्लासिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुआ। वो लोग जंगलों और पहाड़ों में गए, पुरातत्व की चीजों का पता लगाने के लिए वे भटके। वो आदिवासियों के संग भी घूमे। घूमने के दौरान वो ऐसी जगह भी गए जहां पहले कोई नहीं गया था, और फिर अजंता की गुफाएं, हड़प्पा की भूली हुई जगहें, इन सब का भी ध्यान दिलवाया। इन यात्राओं, खोजों और जानकारियों से हम अपने रिसोर्सेज और इतिहास को बेहतर समझ पाए। इन सर्वेज में काम करने वाले लोग अंग्रेजों के कर्मचारी थे, लेकिन इनमें से कुछ अच्छे वैज्ञानिक भी थे, जैसे कि जॉर्ज वॉट, इस म्यूजियम को बनाने वाला। इस गैलरी में रखी चीजों से मालूम होता है कि अंग्रेजों ने किन फसलों को आगे बढ़ाया, जैसे कपास। उन्होंने कोशिश की कि किसान कपास की बेहतर किस्मों को अपनाएं। पटसन, रेशम और शन जैसे रेशे जिनका उद्योगों में उपयोग होता था, और उन्होंने बागानों की व्यवस्था शुरू की और चाय, कॉफी, नील पैदा करने लगे। और इस तरह से कई काम हुए, लेकिन हमारे लिए इसका मतलब क्या था? हमारे किसान दुनिया के बाजार से तो जुड़े थे, लेकिन टेक्नोलॉजी तो वही थी। फसलों की कई नई जातियां आ तो रही थी, लेकिन लगान का बोझ तो वैसा का वैसा ही था। हुआ ये कि किसानों की हथेली पर कुछ रुपए तो जरूर आए, लेकिन जीवन स्तर में कितना फर्क आया। इतिहासकार इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अलग अलग वर्ग के लोगों के समझ में आने लगा था कि प्लासी की कितनी बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। खेती पर गुजारा करने वालों की तादाद बढ़ जाने से जमीन कम पड़ने लगी थी। ऊपर से अंग्रेजों ने लगान भी बढ़ा दिया था और वो नकद मांगने लगे थे। फिर वो जंगलों पर कब्जा करते जा रहे थे और आदिवासी अपना अधिकार खोते जा रहे थे। अंग्रेजों की गद्दी हड़पने वाली नीति को देखकर राजा नवाब भी तैश में आने लगे थे। इस सब का नतीजा था सन 1857। वो 11 मई 1857 की थी एक सुबह। वो एक सुबह जब मेरठ में कुछ बागी फौजी ईस्ट इंडिया कंपनी के दिल्ली की ओर चले। पौ फटती थी जब यमुना तट पर वो पहुंचे। दिल्ली वाले कुछ जागे थे, कुछ सोए थे। वो एक सुबह दिल्ली वाले कुछ सोए थे पर लाल किले के पहरेदारों ने देखा और लाल किले में दाखिल होने से रोका। लाल किले में दाखिल होने से रोका वो बागी, लेकिन रुके नहीं। कुछ दिल्ली वाले साथ हुए और लाल किले के पीछे से एक रास्ता आखिर ढूंढ लिया। एक रास्ता आखिर ढूंढ लिया। वो चाहते थे एक बार बहादुर शाह से मिले और उसको रहनुमा माने, और वैसे तो वो अंग्रेजों के रहम पे था,
पर बागियों ने ऐलान किया, उसे शाहे हिंद का नाम दिया। शहर के सब दरवाजों पर इस बागी फौज ने कब्जा किया। दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, बारूद खाना, सरकारी दफ्तर लूटे गए, हत्याए गए, अंग्रेजों से बदला लिया गया, जो हाथ लगा उसे मार दिया। कश्मीरी गेट पे सेंट जेम्स गिरजा घर में कुछ नामों की तो याद अभी तक बाकी है। गदर 57 का फूटा आजादी का नारा लेकर और बढ़ता गया। बदौलत गली तर गली खुद बहुत आग भड़की। अचानक वो सोए हुए लोग जागे, श्री जंग तो पे चली गाज कड़की। न तब कोई हिंदू रहा ना मुसलमान, मिले सब मिले सब नजर एक नई कौम आई। किसान और कारीगरों के भी लब से सुनाई हमें वो ही आवाज आई। मगर हर तरफ एक बिखराव सा था, किसी का भी नेता नहीं था कहीं पर। नवाब और राजा भी मजबूर से थे, विदेशी हुकूमत के साधन थे बेहतर। की डोर रानी के हाथों गई आँख जिसने भी नजरें मिलाई। मगर आग आगे बढ़ी और आए कई मंगल पांडे कई लक्ष्मी बाई। सत्तावन के लड़ाई के पीछे कितनी योजना थी, क्या संगठन था, इन सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं। कुछ कहानियां जरूर है कि चपातियों और कमल के फूल संकेत के रूप में भेजे जाते थे। इतना साफ है कि महीने भर में उत्तर भारत विद्रोह की लपट में आ गया था। हर जगह विद्रोहियों ने कचहरियां जला डाली, कोषखाने लूटे, जेल में भर्ती कैदियों को आजाद कर दिया। लखनऊ में विद्रोह की आग अपनी शिखर पर थी। यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंसी में बहुत से अंग्रेजों ने पनाह ली थी। बहुत सारे अंग्रेज, ज्यादातर बच्चे और औरतें इस तहखाने में छुपे रहे।
विद्रोहियों ने इस इलाके को महीनों घेरे रखा। जिस कदर लखनऊ वालों ने विद्रोह का साथ दिया उसकी एक वजह रही होगी कि साल भर पहले नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने हटाकर अवध राज हड़प लिया था। विद्रोह देश भर में नहीं फैला, पंजाब और बंगाल में खास कुछ नहीं हुआ। दक्षिण भारत तो विद्रोह के दायरे से बाहर ही रहा। गौर करने लायक बात यह है कि हर कौम के लोग हर वर्ग से आए, राजा सिपाही कारीगर। अफसोस इस बात का है कि आजादी की यह पहली लड़ाई किसी काबिल नेता को जन्म नहीं दे सका। जगह जगह विद्रोहियों ने लौट फिर के उन्हीं राजा नवाब जमींदारों से नेतृत्व की मांग की जो ऐशो आराम में और पुराने ख्यालों में डूबे हुए थे। पर वैसे इस समय तक एक अलग चेतना बनने लगी थी और इसी ने आगे जाकर नए नेतृत्व को जन्म दिया। ये चेतना आई नई शिक्षा के साथ। पहले तो इसी बात पर विवाद होते रहे कि पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पर जोर दें या पारंपरिक शिक्षा को ही आगे बढ़ाएं। जब आधुनिक शिक्षा के पक्ष में फैसला हुआ तब इस बात पर बहस छिड़ गई कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए या देशी भाषा है। आखिर फैसला हुआ कि अंग्रेजी में ही पढ़ाई होगी। फिर उच्च शिक्षा के गिने चुने केंद्र स्थापित किए गए इस आशा के साथ कि इन जन विद्यार्थियों के द्वारा जन साधारण तक धीरे धीरे तो शिक्षा पहुंची जाएगी। पर सरकार की जन शिक्षा में शायद ही दिलचस्पी रही हो। उन्हें तो जरूरत थी एक क्लार्क या बाबू वर्ग की जो उनकी बढ़ती हुई प्रशासन में नौकरी कर सके। ऐसे लोगों को इंग्लैंड से बुलवाना महंगा पड़ रहा था। ऊपर से वो ये भी चाहते थे कि इस तरह ये लोग वफादार बन जाएंगे और यूं विद्रोह का संकट टलता जाएगा। जैसा कि मकौले ने कहा कि ऐसे लोग सरकार के और करोड़ों की प्रजा के बीच एक माध्यम बनेंगे। उनका रक्त चाहे हिंदुस्तानी हो पर बुद्धि से तो अंग्रेजी होंगे। पर क्या ये सरकारी योजना पूरी तरह सफल हो पाई? आखिर पढ़ाई का माध्यम था अंग्रेजी, वही भाषा जिसमें जेफरसन और थॉमस पेन ने आजादी के गुण गाए, जिसमें न्यूटन और डार्विन ने लिखा। पढ़े लिखे भारत के लोगों ने भी अखबारों, पुस्तिकाओं और भाषण के जरिए लोकतंत्र, राष्ट्रीयता और समानता की बातें की, साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाई। कलकत्ता के पास राधानगर के इस गांव में 1772 में राम मोहन राय का जन्म हुआ। बंगाल में भयंकर अकाल था, लगातार 6 साल सूखा पड़ा, लाखों लोग मर रहे थे, मगर अंग्रेज अपना लगान वसूलते रहे। किसानों का असंतोष बढ़ता गया और अंग्रेजों व जमींदारों के खिलाफ कई आंदोलन छिड़े। इन आंदोलनों को बेरहमी से कुचला गया, पर भवानी पाठक और रघुनाथ जैसों के नाम लोगों के दिलो दिमाग पर छाए रहे। इसी सब के दौरान राम मोहन ने शिक्षा पाई, संस्कृत पुस्तकों का पाठ किया, फारसी व अरबी किताबों से तालीम हासिल की। क्योंकि वो एक अमीर जमींदार परिवार के थे, उन्हें पढ़ाई का मौका मिला। वो एक विशेष विद्यार्थी रहे होंगे। उन्होंने हिंदू, मुसलमान, ईसाई धर्मों का अध्ययन किया। वो फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू और अन्य भाषाएं भी सीख गए। यूं उन्होंने प्राचीन चिंतन के साथ साथ नए पश्चिमी विचार भी अपनाए। बड़े होकर राम मोहन कलकत्ता रहने आए, कई अखबार शुरू किए। नई चेतना लाने के प्रयास में बहुत से पढ़े लिखे लोग उनके साथ आए। उनकी मांगे थी जमीन लगान कम कर दिया जाए, व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अकेला अधिकार खत्म हो, हिंदुस्तानी तैयार माल पर से भारी टैक्स हटा दिया जाए, हिंदुस्तानियों को न्याय का बराबर हक मिले और रंग भेद खत्म हो ताकि हमें शिक्षा और रोजगार में बराबर का दर्जा मिले।
उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उन्हें विश्वास था कि विज्ञान और विवेक ही आधुनिक भारत की नींव बन सकते हैं, इसीलिए विज्ञान की तालीम जरूरी थी। उन्होंने अनगिनत स्कूल्स, कॉलेजेस और लाइब्रेरीज खोलने में लोगों की मदद की और खुद भी यहाँ अपने घर में, जो कि आज एक पुलिस ऑफिस है, एक स्कूल खोला। इस स्कूल में उन्होंने विज्ञान के उपयोगी विषयों पर जोर दिया, जैसे कि गणित, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एनाटॉमी वगैरह। राम मोहन राय उन लोगों में अगुवा थे जिन्होंने पश्चिम के नए सोच और विज्ञान को अपने समाज में उतारना चाहा। इसमें पश्चिम की नकल की भावना नहीं, बल्कि एक नए भारत का सपना था, जिसमें पिछड़ापन ना रहे, भेदभाव मिट जाए, आदमी और औरत को समान माना जाए। रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, बुद्धिवाद और मानववाद। राम मोहन राय के अलावा कई समाज सुधारक इन बातों पर जोर देने वाले थे, जैसे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले, आंध्र में वीरेशलिंगम, केरल में कुमारन आशान। समानता के विचार ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांतियों में सशक्त भूमिका निभाई थी और अब यूरोप में ये सिद्ध हो रहा था कि किस तरह विज्ञान और टेक्नोलॉजी मानव विकास का आधार बन सकते हैं। पहली रेलगाड़ी को चले हुए कुछ 31 साल ही बीते थे कि भारत की पहली रेलगाड़ी भी चल दी 1853 में बंबई और ठाणे के बीच, और 7 साल के अंदर अंदर 1300 से अधिक किलोमीटर तक की रेल लाइनें बिछाई दी गई। इसवीं सदी के खत्म होते तक तो 25,000 किलोमीटर की पटरियां लग चुकी थी। इस तरह भारतीय रेल ने 1910 तक संसार में चौथी जगह हासिल कर ली। कैसा अजीब लगता है, उस वक्त जब पुराने हस्तकला उद्योगों के केंद्र मिट रहे थे और देश इतनी तकलीफों से गुजर रहा था, तभी रेल लाइनें तेजी से बिछाई जा रही थी, जैसे खूब तरक्की हो रही हो। यही तो बात है, रेलवे ने देश के भीतरी इलाकों का विकास नहीं किया, रेलवे लाइनें तो राज करने वालों के फायदे के लिए बिछाई गई थी। उन्होंने यहाँ पर लंबी लंबी ट्रंक लाइन्स बिछाकर अंदर के इलाकों को सिर्फ बड़े बंदरगाहों से जोड़ा, ताकि देश का माल बाहर जा सके और ब्रिटेन में तैयार हुआ सामान अंदर आ सके। और बस कैंटोनमेंट्स को जोड़ा गया उनकी फौजों की सुविधा के लिए। रेलवे एक और टेक्नोलॉजी थी जिससे साम्राज्य को फैलाने का काम लिया गया, यही ना? वैसे लाइनें बिछाने से हजारों लोगों को नौकरी मिली, और जैसे जैसे रेलवे, सिंचाई और सड़कों का काम बढ़ा, इनके लिए प्रशिक्षित भारतीयों की ज़रूरत पड़ी, और अंग्रेज़ों ने सिविल इंजीनियरिंग और सर्वेइंग के कोर्स शुरू किए। ये सब उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया, पर भारत के लिए यही आधुनिक तकनीकी शिक्षा की शुरुआत थी। वो तो ठीक है, पर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का कोई इंतज़ाम नहीं किया और ना ही हमें अपने इंजन बनाने दिए। ये सुनो, 1865 से 1941 के दरमियान कोई 12,000 इंजन बाहर से मंगवाए गए, जबकि सिर्फ 700 यहाँ बने। म्यूजियम में लगे मैन्युफैक्चरर्स प्लेट को देखकर भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
इंजन बनाने के कारखाने उन्होंने यहाँ क्यों नहीं लगवाए? दरअसल यही रवैया तो उन्होंने सारे उद्योग धंधों के लिए अपना रखा था। सारी मशीनरी बाहर से मंगाई जाती थी, यहाँ कुछ भी नहीं बनता था। वही पुरानी समस्या है ना। आखिर सदियों तक थ्योरी जानने बनाने वाले विद्वान अलग रहे और अपने हाथों से काम करने वाले दस्तकार वगैरह अलग। इस अलगाव की हमें कीमत चुकानी पड़ी। इन दोनों के मेल से ही औद्योगिक क्रांति हो सकती थी, जो हुई कहीं और। जब इस देश के कुछ लोगों ने आधुनिक विज्ञान को जरूरी समझकर उसकी मांग की, तो अंग्रेज हमें आसानी से सब कुछ नहीं देने वाले थे। वो अपना ज्ञान हमें बख्शने तो यहाँ नहीं आए थे। हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आज के अखबार में छपी किसी न्यूज रिपोर्ट को पढ़ते हैं। अरे किसी भी न्यूज रिपोर्ट से क्या कम है इन बातों का महत्व। रेलवे की तरह टेलीग्राफ, कैनाल, सड़कें, पुल वगैरह भी अंग्रेजी हुकूमत के लिए जरूरी थे। इन सब को चलाने के लिए हिंदुस्तानियों को थोड़ी बहुत शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाने लगी। कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले गए जिनमें सिविल इंजीनियरिंग पर ही जोर दिया गया। 1848 में रुड़की, 54 में पूना, 55 में मद्रास, फिर 56 में ये बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया। वैसे इन सब कॉलेजेस में विद्यार्थियों को डिग्री नहीं बस लाइसेंस दिए जाते थे। खैर ऐसे मामलों में नीति कुछ होती है और होता है कुछ और। बहुत से अंग्रेज अफसर और वैज्ञानिकों की अपनी रुचि विज्ञान में ही थी, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर रहे हों। उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर भी जोर दिया और खुद भी विज्ञान का प्रसार किया। वैसे 19वीं सदी के शुरू के दशकों में सरकार ने भी पश्चिमी शिक्षा के फैलाव में रोकथाम नहीं की थी, पर सन 57 के बाद इस मामले में उनका रवैया कुछ बदल गया। साफ शब्दों में कहा गया कि इस देश के लोग अभी इस लायक ही नहीं हैं कि आधुनिक विज्ञान और नए सोच विचार ग्रहण कर सकें। बेशक इस सख्ती के पीछे कोई वजह थी। पढ़े लिखों का एक नया वर्ग बनता जा रहा था जिसमें से कुछ लोग अपने नए ज्ञान का इस्तेमाल करके अंग्रेज सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने लगे थे। मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में सोच रही थी जो रुड़की, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज ऐसे जगहों में पढ़ते थे। उनमें से कितनों को विज्ञान में सरकारी नौकरी से बढ़कर कुछ नजर आया होगा। देश के भविष्य में विज्ञान की भूमिका के बारे में क्या वो कभी सोचते थे? तकनीकी प्रशिक्षण पाने वाले कितने विद्यार्थियों ने सपना देखा होगा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। साइंस को लोगों तक पहुंचाने का ख्याल क्या किसी के मन में आया होगा? ये सारे सवाल सामने आए जब मैं इस बार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता गई थी, क्योंकि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जाना जिन्होंने इन समस्याओं पर गंभीरता से सोचा था। वो थे महेंद्रलाल सरकार, जिन्होंने कैलकटा मेडिकल कॉलेज से पढ़ा था। महेंद्रलाल ने अपना काम वैसे शुरू किया 1869 में। कैलकटा जर्नल ऑफ मेडिसिन में उन्होंने लिखा है, हम ऐसी संस्था चाहते हैं जो आम जनता के प्रशिक्षण के लिए हो, जहां विज्ञान के विषयों पर नियमित रूप से व्याख्यान दिए जाए और अध्यापक न सिर्फ उदाहरण के तौर पर प्रयोग करके दिखाए पर वहां इकट्ठा लोगों को भी आमंत्रित किया जाए कि वो सामने आए और उन्हें खुद प्रयोग करना सिखाया जाए। हम मानते हैं कि इस संस्था का प्रशासन और नियंत्रण पूरी तरह से भारतीयों के हाथ में होना चाहिए। पर ऐसी संस्था को पैसा कौन दे सकता था? राजा, जमींदार, बड़े बड़े व्यापारी। लेकिन जब महेंद्रलाल सरकार इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस का प्रोजेक्ट लेकर ऐसे लोगों के पास गए तो उनको आश्वासन ज्यादा मिले, पैसे कम। ये अमीर लोग शायद ही महेंद्रलाल का उद्देश्य समझ पाए होंगे। जन साधारण के लिए शिक्षा किस लिए? प्रयोगों से फायदा कैसा और खुद करने की क्या जरूरत? महेंद्रलाल तो बात कर रहे थे स्वावलंबन की, एक वैज्ञानिक संस्कृति की। उनका मकसद था कि इस देश के विद्यार्थियों को रिसर्च करने का अवसर प्राप्त हो, विज्ञान जनहित के काम आए, ऐसे उपयोग खोजे जाए जो उत्पादन के क्षेत्र में लागू हो। आखिर केंद्र की स्थापना हुई
जैसा सोचा था उससे छोटा और साधारण पर स्वाधीन। वैसे आत्मनिर्भरता पर उनका विश्वास कोई अनूठी बात नहीं थी। 19वीं सदी के अंत तक देश भर में एक नया राजनैतिक जागरण फैल रहा था। राष्ट्रीयता की नई भावना बन रही थी। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस के आदर्श और महेंद्रलाल के विचार काफी मिलते थे। लोकतंत्र और राष्ट्रवाद, इन्हीं पर दोनों ने ही जोर दिया। कांग्रेस के लोग उनके साथ थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हाँ, और आगे चलकर तो विज्ञान से जुड़े लोग और आजादी के लिए लड़ने वाले, इनके बीच के संबंध और भी घने होते गए। और वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी इसी माहौल में उभर कर आई। उसमें कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में काम किया। प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बोस, आशुतोष मुखर्जी और बाद में सी वी रामन और मेघनाथ साहा।